आप में से फर्स्ट टाइम कौन कौन देगा सीयूटी का एग्जाम? फर्स्ट टाइम डर का माहौल है, बेचैनी का? कॉलेज जाने की तैयारी में हो है? हाँ भाई बच्चों, ध्यान से सुनो, ये लाइट ऑफ करवा दो भाई, नवल भाई, सॉरी, लाइट नहीं होगी, फेस वो तो इस बोर्ड तो दिखेगा ना। अच्छा कुछ पीछे वाली जो है एक दो बंद करवा दो, ये चलने दो, बस बस बस, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, सीयूटी में मैथ्स और रीजनिंग जो आप पढ़ोगे वो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे अगले 4 से 5 साल में, उन सब में हेल्प करेगी, ठीक है। कान में से ये ईयरफोन निकालो, आप खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, अरे बाहर तो निकलो, चिंगम खा रहे हो क्या, थूक क्या हो क्या है मुंह में, तो निकल जाओ या बाहर जाओ जल्दी, उसको या तो निकलो या थूक के आओ, कुल्ला वल्ला करके फटाफट बैठो क्लास में। हाँ भाई तुम्हारा लंच हो गया क्या मंगवाए फिर बताओ, क्या खाओगे? अच्छा आजो बैठो। हाँ भाई एक डंडा मंगवा दें बढ़िया सा, उधर रखा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका जो लेवल होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा। आपको फर्दर जितने एग्जाम्स में आप बैठोगे जिनमें आएगा मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब हम बात करें, क्योंकि कुछ बच्चों पे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी रहे होंगे 12th के बाद में, उनको भी कॉलेज जाने का अधिकार है पूरा, और वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे। अब जो जनरल पार्ट है उसमें जो उतना ही मैथ आएगा जो 10th तक का रहता है, और 10th भी नहीं बल्कि ये समझो 7th 8th 9th में जो आपने पढ़ा है ना मेजरली वही रहेगा। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, कितने चैप्टर्स हैं, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। टोटल अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में तो 35 चैप्टर्स होते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो वर्बल का और एक नॉन वर्बल का। तो आपको अपने ब्रेन में एक चीज फिट करके बैठनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये आपको करना ही करना है। अब मैथ्स में होता क्या है, जो चैप्टर्स हैं मैं उनके नाम लिख देता हूँ, आप लोग एक बार उसको पूरा अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आपको ये रहे लास्ट तक कि आपका सिलेबस जो है वो कितना कवर हुआ है और कितना आपको करना है, कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आ गए और कौन से अभी भी करने हैं। तो नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में पूछता है, फिर यार ये कैमरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, एप्लीकेशन पर करो, लाइट बंद करो, अभी विजिबल है, कुछ दिख रहा है सही से? नहीं दिख रहा, रुको ना 1 मिनट, क्या अभी दिख रहा है? थोड़ा बहुत विजिबिलिटी उधर देखो, यहाँ पे बोर्ड्स हैं, मेक श्योर के ये सिस्टम बंद ना हो, प्रोजेक्टर बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ से देखो, खड़े हो जाओ, ध्यान से बंद करना, प्रोजेक्टर बंद नहीं होना चाहिए,
अरे बोर्ड के पीछे उस वो है ना, देख इसके पीछे बंद कर दिया, अब ठीक है। और बटन देख कोई। हेलो, हाँ कुछ लाइट्स और बंद हुई। अब ठीक है, एक काम करो, एक बार कितने बार स्विच दबाए थे तुमने अभी, एक या दो? एक एक करके दबाने थे दोस्त, दोनों दोबारा से ऑन कर एक बार, क्योंकि कैमरे में मैं इसमें। हाँ बस, नवल जी देखना एक बारी, इनको बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा, और बंद कर रहा हूँ तो उधर कैमरा जा रहा है। एक बार लाइट बंद करना। अब इनको यहां से ही दिखेगा, पीछे के चलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइट पीछे वाली लाइट ऑन करना, जलाओ जलाओ। ठीक तो है अभी, है ना? अब देख रहा कैमरा ठीक है, चल जाएगा। उसको हटा ही दो फिर, कैमरे को कोई दिक्कत नहीं है, फेस नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हाँ पढ़ें। हाँ भाई, नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति, ठीक है। इसी में एक चैप्टर होगा एचसीएफ एलसीएम का, इसी का पार्ट है ये, सिंप्लीफिकेशन। इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इसका एक कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। सर्ट्स इंडिसेस रहेगा, यानी ये वो चैप्टर है जिसमें रूट वाले सवाल हैं। कौन से सवाल? रूट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वो वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आता है बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स हैं जो परसेंटेज के बेसिस पे हैं, तो सबसे पहले उनमें परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क। कोई हिंदी मीडियम तो नहीं है आप में से? हिंदी में अगर किसी को देना हो तो सर्ड्स एंड इंडाइसिस, घात, घातांक और करणी। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एंड 12th। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स था 11th और 12th में? कितने के पास अप्लाइड मैथ्स था? बहुत बढ़िया, अप्लाइड वाले बच्चे फायदे में रहेंगे सबसे ज्यादा। और 60 से ज्यादा नंबर कितनों के हैं मैथ्स में? कम से कम 60 नंबर मैथ्स में 12वीं में, बस लाइफ सेट है तुम्हारी, बाकी सबकी भी है। इनको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बताऊंगा मैं ग्रेजुएशन में जाने के बाद में, आपको क्या
क्या सब्जेक्ट और ऑप्ट करना है वो भी बताएंगे आपको, ताकि लाइफ में फिर वो मौका आपको भी दोबारा मिले जो इनको अभी मिल गया है। तो अभी इतने चैप्टर्स हैं, साथ में मेंसुरेशन का एक चैप्टर आएगा। अब बात करते हैं कुछ और चैप्टर्स की, जैसे ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री। ये वो बच्चे जो बीएससी के लिए ऑप्ट करेंगे, ठीक है, जो टेक्निकली जो जितने भी देखो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कितने ऐसे आप में से स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं? ओके, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन साइंस के ही सब्जेक्ट से आपको करनी रहेगी। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि देयर माइट बी 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री विल बी आस्क। बाकी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से हैं, कितने ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स? तो आपके में वो 3-4 चैप्टर नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब पूछेगा किसी के में भी नहीं। एक चांस है कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स में पूछ सकता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एलसीएम एंड एचसीएफ से हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास। ये आपका सिलेबस रहेगा जो आपको करना है बहुत अच्छे से, ठीक है भाई, करें स्टार्ट। देखो हम बात कर रहे हैं भाई किसकी, HCF और LCM की। क्या होता है HCF, किस किस को पता है? मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा क्या होता है, मैंने ये थोड़ी पूछा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इस एक्रोनिम का टोटल फुल फॉर्म क्या होगी, ये थोड़ी पूछा है मैंने। ये तो मुझे भी पता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, और एलसीएम का मतलब क्या होता है फिर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, और लीस्ट का मतलब कम से कम। दोनों ही बात को समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, किसकी बात कर रहे हैं, HCF की, मैंने लिखा 40 और मैंने लिखा 80। मैं ये देखना चाहता हूं कि डिविजिबिलिटी में देखते हैं हम इसको हमेशा, किस में देखते हैं जल्दी बोलो, कि डिवाइड होने पर, डिवाइड करने पर कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्या एक से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, हाँ या ना, बताते हुए चलना। दो से भी हो जाएंगे, चार से होंगे, पांच से होंगे, छह से, सात से, आठ से, दस से, उसके बाद बताओ 11 से, 12, 13, 20, 25, 30, 25 से, हाँ 25 से नहीं होंगे, 30, 40 से, दोनों डिवाइड होने, दोनों होने चाहिए, एक नहीं दोनों, तो 50 से, 60 से, 70 से, 80 से, 80 से केवल एक होगा, दोनों होने चाहिए। तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा हुआ जो दोनों को डिवाइड कर देगा? तो इन दोनों का जो HCF हुआ वो क्या हुआ, कितना हुआ? तो हमने छोटा नंबर ढूंढा या बड़ा नंबर ढूंढा, छोटा नंबर ढूंढा या बड़ा नंबर ढूंढा? हम बड़ा नंबर अगर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी तलाश में है, लेकिन अगर हम कौन सा नंबर ढूंढे छोटा तो हम किसकी तलाश में होंगे, एलसीएम। छोटा और बड़ा मतलब तुम ये मत सोचना कि हम 1, 2, 3 में छोटे की बात कर रहे हैं तो 1 की बात कर रहे हैं, नहीं,
यहां बात होती है डिवाइड होने की, किसकी बात होती है, डिवाइड होने की बात होती है, कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 40 और 80 दोनों को डिवाइड कर दे, यानी ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाए, उस बड़े से बड़े नंबर से। समझ आया? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने एलसीएम लेना है तो एलसीएम में भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, इनका एलसीएम क्या होगा? आता है एलसीएम लेना? एलसीएम क्या होगा? हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। क्या चाहिए? छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स से डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब क्या? हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जो इन सभी गिवन नंबर से डिवाइड, बोलो, और यहां वो बड़ा नंबर चाहिए, वो बड़े से बड़ा, यानी ग्रेटर कह लो या ग्रेटेस्ट कह लो, वो नंबर चाहिए जो गिवन नंबर्स को डिवाइड हो जाए या कर दे, डिवाइड कर दे। 40 डिवाइड हुआ था या 40 ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था? 40 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो गए थे, हाँ या ना। तो हमें वो नंबर चाहिए बड़े से बड़ा जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और यहां पे क्या चाहिए? छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड, तो यानी वो नंबर इनसे डिवाइड हो जाएगा तो वो जो नंबर होगा ऑब्वियसली इन सभी गिवन नंबर से कैसा होगा, और उसी नंबर को हम क्या कह रहे हैं, यानी एलसीएम हमारा सभी गिवन नंबर से कैसा होगा, बड़ा होगा। एलसीएम क्या होगा? बड़ा, तभी तो वो डिवाइड होगा। अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है बेसिक डिफरेंस क्या है? लेकिन यहां पे जो हमारा एचसीएफ था वो सभी गिवन नंबर से कैसा है, छोटा है। जो एचसीएफ है वो हमारा सभी जितने भी गिवन नंबर हैं या तो उनके बराबर हो सकता है या उनसे छोटा, किसी एक के बराबर हो सकता है लेकिन उनसे छोटा भी हो सकता है, किसी एक के बराबर होगा, जो सबसे छोटा है उसके बराबर हो सकता है। समझ आ रहा है? या तो छोटा ही होगा। कोई दिक्कत अभी तक? जैसे अगर मैंने लिखा होता 14 और मैंने लिखा होता मान के चलो 26, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एलसीएम की या एचसीएफ की? तो ये एक से डिवाइड होंगे दोनों, दो से डिवाइड होंगे दोनों, दो के अलावा कोई और ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो दोनों को एक साथ डिवाइड, 7 से दोनों डिवाइड नहीं होते, 13 से भी दोनों डिवाइड नहीं होते, 14 से भी दोनों डिवाइड नहीं होते, केवल दो से ही तो डिवाइड हो सकते हैं दोनों, हाँ या ना। तो ये जो दो है ये क्या कहलाएगा मेरा? तो एचसीएफ मेरा गिवन नंबर से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना। और एलसीएम मेरा गिवन नंबर से कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एलसीएम गिवन नंबर से ज्यादा होगा, किसी मैक्सिमम बड़े से बड़े एक नंबर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या समझ में आया? ये सबसे छोटे नंबर के बराबर हो सकता है और ये सबसे बड़े नंबर के या उनसे भी ज्यादा। तो इनका एलसीएम आता है आपको लेना? अरे बोलो आता है कि नहीं आता? बचपन में कुछ तो सीखा होगा। 70 कुछ उतारना है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने नंबर्स कौन कौन से लिखे थे? 1, 2,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट, 12 या 10? 10 भी लिख लो, 12 यही लिखे थे। इन सब का क्या लेना है? यहां लिख रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन वो नंबर है बड़ा, यही समझ में आया ना? बोलो, यहां लिख रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन वो नंबर है, यहां लिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन वो नंबर है छोटा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इनके एलसीएम की, तो आप सब एलसीएम अब तक ऐसे लेते आए हो, वन को तो हटाई दो इस पिक्चर में से, है ना, टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन, और आप सब ऐसी तो एलसीएम लेते हो, अरे हाँ या ना, दो एकम दो, तीन दो दूनी चार, पाँच दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो छक्के बारह, फिर तीन लिख लेते हैं या दो ही लिख लेते हैं, एक तीन एक पाँच तीन, तीन दो दूनी चार, पाँच दो तिया छः, तीन से बहुत सारे हो रहे हैं, ये भी गया, पाँच बचा, दो बचा, पाँच बचा और ये गया, अरे बोलो है ना। इस तरीके से जो लास्ट में मल्टीप्लाई करके मिलता है वो हमें क्या मिलता है, जल्दी बोलो, यही पढ़ाया आप लोगों ने। इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालेंगे, इस तरीके से एलसीएम, एलसीएम का मतलब सिंपल सा है, जैसे अगर मैंने दो नंबर लिखे पांच और पंद्रह, तो मैंने सबसे बड़ा नंबर देखा, क्या ये इसके टेबल में आता है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, पांच और मैंने दोनों को जज किया, बड़ा नंबर कौन सा है? क्या वो छोटे नंबर की टेबल में आता है? तो सीधे सीधे एलसीएम क्या हो गया, दोनों की टेबल में आएगा वो एलसीएम होगा। मैंने लिखा पांच और मैंने लिखा 31, दोनों ही नंबर मेरे कैसे हैं, जल्दी से बोलो, दोनों ही प्राइम है, तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम क्या हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 5 × 31 कितना हुआ, मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 5, ये दोनों कैसे नंबर हैं, बोलो। चलो ये अगर समझ में नहीं आया कि ये कोप्राइम है, कोप्राइम क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए रहने देना, भूल जाना, इतने पे फोकस करना, बस ये पता रहना चाहिए इन दोनों में से कोई एक प्राइम है, कोई एक कैसा है, जल्दी बोलो, तो उससे मल्टीप्लाई होगी ही होगी। तो एलसीएम के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 12 पंचे कितना कर दो, तीन बातें पता लगी, बोलो हाँ या ना। तो हमने ये चीज समझी कि जब एलसीएम निकालेंगे तो नंबर्स पे ध्यान करेंगे कि नंबर कौन सा दे रखा है। तो एलसीएम निकालते समय जब आप नंबर्स पे ध्यान दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलसीएम निकालने का तरीका जो था वो ये वाला रहा, लेकिन हमने इसको अवॉइड किया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो दो है ना, दो, क्या दो की टेबल का कोई और नंबर प्रेजेंट है जो दो से बड़ा है, कोई भी एक हो, हमने इसको नहीं देखना है, छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया, जरूरत नहीं है उसको देखने की। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। कभी ऐसा होता है कि किसी फंक्शन के लिए कोई हमारे घर न्योता लेकर आए कार्ड शादी का, बोले यार शादी है इस व्यक्ति की, आपको इस तारीख को उपस्थित रहना है, और हाँ अकेले नहीं आना, फैमिली को साथ लाना है। अब उस समय घर का एक छोटा सा बच्चा ये बात सुन लेता है कि अच्छा 24 तारीख को शादी का कार्ड आ रखा है, और वो अंकल ऐसे बोल के गए थे कि अकेले सबको साथ में आना है। अब वो इंतजार में है कि बेटा अब तो तेरे को कपड़े भी दिलाएंगे ये घर वाले जो मारते पीटते रहते हैं, क्योंकि शादी आ रही है, शादी में ले जाएंगे, है ना, तो ऐसे तो नहीं ले जाएंगे जैसे घर पे रखते हैं, घर पे तो कूट कूट के रखते हैं। अब वो बच्चा इंतजार में है, लेकिन शादी के कार्ड पे नाम किसका डला होगा, जिसको इन्विटेशन मिला है, वो घर का छोटा सदस्य होगा या बड़ा सदस्य होगा,
जनरली तो मुखिया ही होता है, और गांव देहात में अगर बात करें तो अगर किसी के दादा लेवल पे है ना, उस लेवल के व्यक्ति जिंदा होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, तो उन्हीं को ही आता है कि बेटा तुम ही आना है ना, और उनके परिवार के छोटे छोटे और जितने भी सदस्य हैं सबके सबको लेके आना, हाँ है ना। तो बड़े सदस्य की दावत होती है। अब जिस दिन दावत में जाना था, ये बड़ा सदस्य है, दोपहर में नहाने चला गया, तैयार हो रहा है। छोटा बच्चा देखता है कि यार या तो जनरली सुबह को ही नहाते हैं या बिल्कुल रात को, ये दोपहर में नहाने का सिस्टम मेरे को इसका समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कहीं जाएगा। अब उसकी निगाह उसी पे रहेगी। अब जैसे ही उसने निकाल के बढ़िया से कपड़े डाले और फिर सेंट सुंट छिड़का, छोटा बच्चा वहीं रोने लगता है, कहता मैं भी, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी लेके चलो। अरे हाँ है ना, ऐसे ही होता है। अब बड़ा वाला जो जिसकी जिसकी दावत आ रखी है, मेन सदस्य जो है, वो क्या करता है, वो कहता है अरे तू नहीं, तेरी दावत नहीं है, छोटा है अभी, तू घर पे रह, मैं जाऊंगा, हाँ है ना। तो ये नंबर से ऐसे ही है। अगर कोई छोटा नंबर, छोटा बच्चा जिद कर रहा है कि मैं एलसीएम बनूंगा, मैं हूं एलसीएम, तो उसकी दावत कौन कैंसिल करेगा? जो भी बड़ा अवेलेबल है उसकी टेबल में आने वाला, वो ये बोलेगा तू यहीं रुक, मैं आया, बस 1 घंटे में खा के ही तो आना, कन्यादानी तो घाल के आना है, अपुन जाएगा। तो दो की दावत किसने कैंसिल करी? लेट से कितने? चार। अगला कौन बोल रहा है मैं बनूंगा एलसीएम? कौन बोल रहा है बना दें इसको एलसीएम? कौन है इसके परिवार का? छह, भूल जाओ इसको भी, चार भी रो रहा है, कह रहा है मेरे को भी, चार को ले चलें या छोड़ दें, किसको किसकी बारी आई? चलो एक तुमने यहां पे ना एक काम ये करो, इसको 10 को हटा दो अभी, ठीक है, इसका केस अभी बताऊंगा। कौन बचा? पांच। ये कैसा नंबर है जल्दी बोलो, ये कैसा नंबर है? प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो चाहे इसका कार्ड हो या इसका कार्ड, चाहे इसको कोई बुलाए, ये तो जाएगा ही। मैंने अभी तो बताया था कि प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होती ही है, यही तो बताया था मैंने। कोई एक क्या हो? प्राइम, उस प्राइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हाँ या ना, तभी तो एलसीएम आया 60। तो हमने यही तो सीखा अभी, यानी ये तो जाएगा ही जाएगा। अब कितने नंबर बचे बताओ जरा? 6, 8 और खाली ऑब्जर्वेशन से करना है, 6 को छोड़ दें या इसको बना दें एलसीएम, बच कितने गए? 6 को किस वजह से छोड़ा? अब कितने बच गए? 8 कह रहा है मैं जाऊंगा, 12 कह रहा है, तो ना तो 8 जाएगा और ना ही छोटे नंबर की टेबल हमें आनी चाहिए। पढ़ लेंगे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 की टेबल में तो ये आता नहीं है। तो या तो छोटे टेबल की टेबल पढ़ लो, या छोटे वैल्यू की टेबल पढ़ लो, या बड़ी वैल्यू की टेबल, कोई एक नंबर ऐसा जरूर दिखेगा जो दोनों की टेबल में आता होगा। जैसे 12 की टेबल पढ़ी हमने, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, आते ही 8 या 24 हो गया, 8 से कितने पे चला जाता है और 12 से, तो हमारे पास अब 2 नंबर बचे, यानी सब नंबर कट जाएंगे, केवल 2 नंबर रह गए। एक तो कौन सा बच गया बोलो? 5। और दूसरा? तो 5 और 24 में एलसीएम क्या बनेगा? इनमें एक नंबर कौन सा है? प्राइम। कौन सा है? 5 24 पंजे कितना होता है? 120। कितना आ गया? तो ये क्या हो जाएगा इसका बोलो? एलसीएम। क्या हो जाएगा इसका? समझ आया? अरे हाँ या ना। तो चलो मुझे बताना जरा, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा मैंने, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, नहीं दिख रहा उसमें कुछ, उतारना है इसमें से, आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? मैंने लिखा 2 3 4 5 7 9,
12 और 20, इसका एलसीएम बताना है। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आएगा इस सब का एलसीएम? क्या दो को लिख दें या छोड़ दें? तीन को? किसकी वजह से? चार को? किसकी वजह से? 12 और 20। पांच को? क्या पांच के पहाड़े में आने वाला कोई और नंबर है? तो भी छोड़ दो इसको, चाहिए कितना ही बड़ा प्राइम रहा हो। सात को? नाइन को? 12 को? और इनमें सबसे बड़ा कौन? 20। 20 के पहाड़े में हमें वो नंबर चाहिए जो 9 से भी कट जाए, हाँ या ना? तो सीधे सीधे दिमाग में बताओ कौन कौन से नंबर आते हैं जो 9 से कटने वाला हो और जिसमें 0 भी आए। भाई 9 के पहाड़े में 0 90 पर आएगी, अरे हाँ या ना? और 100, इन दोनों को देखो एक बार में, 112 की 15 से गुणा करने पर भी 180 ही आता है, हाँ या ना? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, 12 की किससे गुणा करते हैं अगर, यानी ये 12 के पहाड़े में आ जाएगा 180, तो किस किस से कट गया? क्या ये 20 से कट गया, हाँ या ना? 12 से? 9 से भी कट गया, कौन सा बच गया? तो इन तीनों का एलसीएम तो हुआ 100, और इसकी गुणा किससे करनी है? 18 सत्ते, पहाड़े याद हैं तुमको? कोरोना में कितने साल खराब करे हैं तुमने अपने? 12। भाई थोड़ा सा अब सीरियस होना पड़ेगा, 126, एक जीरो और लग जाएगी। तो इन सबका एलसीएम क्या कहलाया भाई, बोलो? 1200। थोड़ा बेसिक समझ में आया एलसीएम एचसीएफ का, हाँ या ना? अब मैं तीन नंबर लिखता हूं, चलो मैंने लिखा 24 और मैंने लिखा 40, क्या आप मुझे इसका एलसीएम बता सकते हो? शाबाश। बड़ा नंबर कौन सा है? क्या इन दोनों में से किसी एक के पास कोई जीरो है? किसके पास है? तो एलसीएम में भी जीरो आएगी ही आएगी, एलसीएम में जीरो। तो यहां पे यूनिट प्लेस इकाई का अंक बताओ क्या है? चार की टेबल में जीरो कितने पे मिलती है? थप्पड़ लगेगा। 4 5 20, 4 5 20, 5 5 टाइम्स पे मिलती है ना, तो 24 5 कर लो, 24 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा। अब तुम बच्चों को आता तो उस टीचर को याद करो जिसने ये गुणा सिखाई थी, उसका शुक्र अदा करो कि थैंक यू टीचर। कितना हुआ ये? हाँ 100, 120, 24 के टेबल में भी आता है, और तो कितना एलसीएम हुआ? 100। कैसे हमें पता लगा कि जीरो वाला ही होगा? क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के पास क्या थी? यूनिट प्लेस पे। तो एलसीएम में भी एक जीरो तो आएगी ही, तभी तो वो 40 से कटेगा। मैं कहता हूं तुम 136 को 40 से काट के दिखाओ, कंप्लीटली काट सकते हो, मतलब ही नहीं कि कट जाए, लेकिन एक जीरो लगा दो अब कट जाएगा। जीरो से 4 3 12, 4 6 16, कटा या नहीं कटा? तो कोई भी नंबर में अगर मेरे मेरे पास जीरो है और मैं किसी को कंप्लीट काट रहा हूं, तो उसमें भी कम से कम उतनी ही जीरो होनी चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे मैंने अगर मान के चलो मैंने लिखा 12, क्या ये कट जाएगा पूरा? नहीं, जैसे इसके पास क्या आएगी अब कट जाएगा। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, मैंने लिखा 24, बैठ जा, मैंने क्या लिखा 24, और क्या लिखा भाई बोलो? 40। एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से सुनो, तुम लोग क्या करते हो अब तुम्हें बताता हूं मैं। जी 2 लिखा, यहां कितना आया बोलो? और यहां पे फिर क्या लिखा? यहां पे, यहां पे फिर लिखा, अब 3 1, फिर
जब तक तुम यहां नीचे क्या नहीं ले आते, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलते है। हाँ या ना? मरने से पहले ही तुमने अपनी आत्मा को शांति सेटिस्फाइड पहले ही कर दिया है नीचे क्या लिख के, ये सही तरीका नहीं है। एलसीएम जब भी ले रहे हो तो इसका मतलब पता है कहां पे रुकना है? एलसीएम लेने का मतलब होता है नो कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में एम आता है ना? एलसीएम में एम आता है या एफ आता है? एम। तो नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, कोई कॉमन नहीं होना। क्या तीन और पांच में कुछ कॉमन है? है क्या? यस सर। क्या कॉमन है? तीन और पांच में कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? नहीं ना भाई, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो एलसीएम तुम लिख रहे हो वो यही तो लिख रहे हो, जरा बताना। दो गुणा कितना? गुणा कितना? मल्टीप्लाई कितना? मल्टीप्लाई कितना? कितना आया मल्टीप्लाई कर आगे बताओ जरा। 120 ही आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। एक चीज और सुनो, अगर मैं खाली इन तीनों की गुणा करूं, दो दूनी चार दूनी, चौबीस और चालीस, क्या ये दोनों एक से डिवाइड होंगे? दो से? तीन से? दोनों चार से? चार से होंगे ना? पांच से? छह से? काट तो दिया मैंने, तीन से काट दिया ना भाई। छह से होंगे दोनों डिवाइड? सात से? आठ से? नौ से? दस? सोच के बताओ, दस से ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। ग्यारह से कोई सा भी नहीं होगा। बारह से ये होगा, ये नहीं होगा। तेरह से कोई भी नहीं होगा। चौदह से? चौदह से? पंद्रह से? चलो सुनो, सोलह से? सत्रह? अठारह? उन्नीस? बीस से ये होगा? चालीस होगा? लेकिन चौबीस? इक्कीस से? कोई भी नहीं। बाईस से? तेईस से? और चौबीस से? अब बात को ध्यान से सुनना, चौबीस से ऊपर चेक नहीं कर रहा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो HCF होता है ना, वो बड़ी सी बड़ा नंबर होएगा जो दोनों नंबर को क्या कर देगा, और तो दोनों नंबर से क्या होगा, दोनों नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा। साइन देखो ना कैसे साइन है। HCF दोनों नंबर से कैसा होगा? छोटा होगा। हाँ या ना? या उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर होगा। तो मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है इन दोनों में से? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में से? 24। तो HCF क्लियरली या तो 24 से छोटा होगा या 24 के बराबर होगा। मैंने 24 पे देखा, 24 से 24 तो कट जाएगा लेकिन 40, तो इसका मतलब HCF 24 तो नहीं है। HCF क्या होता है? जो दोनों को डिवाइड कर देगा, यही होता है ना। तो HCF 24 से छोटा है। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 8 पे रुक गए थे। 8 एक ऐसा नंबर था जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा था। हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका HCF 8 होगा? क्या अपन बोल सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा? 8 से 24 डिवाइड हो जाएगा। दोबारा सुन लो, होगा या नहीं होगा? और 40 दोनों डिवाइड हो जाएंगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना, कंफर्म। तो आपने जो LCM लिखा है ना दोस्तों, कॉमन आने से पहले, यहां पे मैं लिख दूं नो कॉमन मल्टीपल, क्या लिख दूं यहां पे? नो कॉमन मल्टीपल, कुछ भी कॉमन इनके बीच में नहीं है। तो जो इधर मेरा बच जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? हमेशा याद रखो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी इतनी जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ये किसकी लिखी हुई है जरा बताओ, किसकी लिखी हुई है? तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या बना, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू, अब ये 3 और 5 का क्या करें? क्या आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, फाइंड रेशियो ऑफ 24 एंड 40? क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? 24:40 का क्या रेशियो बनेगा? करके देखो ना, पेन हाथ में ले लो। 24 और 40 को काट के बताओ क्या बना? 3:2। और यहां भी क्या लिखा है? 3 और 5। क्या लिखा है यहां पे? तो इसका मतलब जो ये बन जाएगा, ये लास्ट में हमारा जो बच रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आने के बाद, ये क्या बच रहा है जल्दी बोलो, क्या बच रहा है? और इस रेशियो को मैंने नाम दे दिया ए रेशियो बी। क्या नाम दे दिया जल्दी बोलो? तो क्या मैं एक फॉर्मूला कह सकता हूं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, जहां 3 क्या है ए और 5 क्या है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या था जल्दी बोलो? तो आपको जब भी आपने कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा होगा तो आपको आज समझ आया होगा एक्चुअल में कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू कैसे आया। और एचसीएफ अगर निकालना होता था, जैसे मानो 40 और 80 का एचसीएफ निकालना है, तो हम ऐसे ही तो निकालते थे डिवाइड करके एचसीएफ, याद आ रहा है? इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो वहीं से ही दोनों चीजें मिल जाएंगी, एलसीएम भी और जब कुछ कॉमन आना बंद हो जाएगा तो इधर क्या होगा ये जल्दी बोलो, और इधर जो बच गया वो क्या होगा, और इन सब की गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा? इतना समझ आया? उतारो इसको, नोट करो, फार्मूला भी लिखना। क्या लिखोगे फार्मूला? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू, हाँ भाई पीछे बच्चों बिल्कुल शांत बैठो, कोई बात बात नहीं करनी है, ठीक है, शांति से इसको नोट करो। क्या फार्मूला बना? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू, कोई प्रॉब्लम? 2 दूनी 4 दूनी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई जल्दी बोलो? 8। एचसीएफ कितना आया? 8। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो, और बी की वैल्यू? 8। जल्दी नोट करो, कर लिया? अब ध्यान से बात सुनना, अगर मैं इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 8 + 3 = 8 कितना बना? यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो मैं ये समझ रहा हूं कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा? एचसीएफ इंटू ए क्या होगा? अगर इस 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी जाए तो कितना आएगा? तो इसका मतलब एचसीएफ की मल्टीप्लाई किससे करी है आपने? तो हमें पता लगा कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई जब किससे होगी तो क्या निकल कर आएगा, और जब एचसीएफ की मल्टीप्लाई किससे होगी जल्दी बोलो तो क्या आएगा? जहां पे हम ये जानते हैं ए एंड बी आर फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर, ये क्या है जल्दी से बोलो? रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, समझ आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी है रेशियो में, सॉरी इस रेशियो में कह रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम में।
इतना क्लियर है? उतार लिया? नोट कर लिया क्या? नोट करो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, शांति से बैठो बिना शोर के। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:5। देयर एचसीएफ इज 12। फाइंड नंबर। रेशियो कितना है नंबर्स का? तो ए क्या होगा इसमें? 7। और बी क्या होगा? और एचसीएफ कितना है? जब 12 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? और 12 की 5 से गुणा करेंगे तो एचसीएफ इंटू में ए। और ये क्या है? एचसीएफ इंटू एचसीएफ क्या है? 12 मल्टीप्लाई 7। और ये क्या है? 12 मल्टीप्लाई में 5। मुश्किल है? मुश्किल है क्या? आसान है, हो जाएगा पेपर में। हो सकता है यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम, वैल्यू चेंज होगी खाली। मुश्किल तो नहीं है? समझ नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताओ। सबको समझ में आ गया? हो गया? ये क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? अरे बताओ बच्चों, उतारो फिर इसको। हो गया भाई? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोन अपने सभी बच्चे साइलेंट कर लो। क्लास में आए हो तो फोन आपके क्या होने चाहिए? साइलेंट, फ्लैट मोड पे बिल्कुल। देखो अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:9। HCF is 15. Difference of numbers. पंद्रह आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 कैसे आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बताओ 15 कैसे आया? 15 तो नहीं आएगा। साठ आएगा, 60। नाला को पढ़े भी याद नहीं है तुम्हें? हाँ भाई बात, फोन रख लो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अब बात को ध्यान से सुनो, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे निकाला फर्स्ट नंबर, क्या बताया था जल्दी बोलो? एचसीएफ इंटू एचसीएफ कितना दिखा उनको? और ए कितना है? कितना आया? और सेकंड नंबर क्या निकाला तुम लोगों ने? एचसीएफ इंटू बी, 15 मल्टीप्लाई 9। अब यही दिक्कत हो गई, 15 निम्न 105 कर रहे हो, 100। अगर चेक करना है कि तुम सही कर रहे हो या गलत, वो बताता हूं। ये 10 में से कितना कम है? 1। और 15 वंजा कितना होता है? 15।
फिफ्टीन टेन जा तो दूसरी क्लास का बच्चा भी बता ही देगा, फिफ्टीन टेन जा, 150 से 15 कम तो कर ही सकते हो, हाँ है ना। तुम 105 पे अटक गए तो खुद सोचो क्या 105 में 15 ऐड करके 150 आएगा? नहीं, तो वो गलत था, तो 135 आना चाहिए, हाँ या ना। अब असली दिक्कत पता है कहाँ हुई है, जब मैंने पूछा क्या, तो तुम लोग डिफरेंस ऐसे निकाल रहे हो, 135 में से कितना गया, कितना आया। अब यहां भी दिक्कत हो गई, कुछ बच्चे 55 बता रहे हैं, 135 में से 75 गया, 55। तो घटा जमा गुणा भाग अच्छे से आनी, मेरे को लगता है पहले यही बताना है मेरे को, अभी ये सवाल कराता हूं, फार्मूला बता देता हूं, फार्मूला याद हो जाएगा आपको अभी कभी में। फिर हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लीकेशन ट्रिक देखेंगे, ताकि आपको ये मल्टीप्लाई आना चाहिए पेपर से पहले। भाई एच सी एफ इंटू बी करते हो, एच सी एफ तुम्हें पता है 15 है, तो बी कितना है, बी तो रेशियो है, एक रेशियो तुम 5 ऑलरेडी ले चुके हो, तो दूसरा रेशियो कितना और लोगे। फिफ्टीन, 9 को 10-1 लिख सकते हैं ना, 15 10 सा, हाँ भाई। किस किसने अब इसको समझ लिया है, ईमानदारी से बताओ, जो अगले क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर अगला सवाल दूं तो कर लोगे क्या? पहला नंबर निकालना पड़ेगा और दूसरा, पहला नंबर और दूसरा नंबर, तभी क्या निकलेगा इसका, नलायक को इसकी जरूरत नहीं है। दो नंबर का जब तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या पता है, क्या पता है, तो तुम्हें सब कुछ पता है। डिफरेंस करने को बोल रहे ना, तो 9 में से 5 गया, 4 की 15 से मल्टीप्लाई करी, 15 चौके खत्म। क्या उसके लिए पहला नंबर निकालना पड़ेगा? देखो तुम एक क्या पूछ, अरे सिंपल समझो, सिंपल देखो, इधर बोर्ड पे देखो, चलो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ, ये लिख के बताता हूं अच्छे से और समझ में आएगा। डिफरेंस ऑफ नंबर मतलब मानो तुम जिसका रेशियो बड़ा वो नंबर बड़ा, तुमसे पूछ रहा है सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, अरे हाँ है ना। सेकंड नंबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू बी, और फर्स्ट नंबर क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, बी माइनस ए, एच सी एफ कितना है और बी कितना है, ए कितना है, तो इस चीज को अप्लाई मत करना, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट करना है आंसर निकालने के लिए। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, तो 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, और 4 की 15 से मल्टीप्लाई, 15 चौके 60। समझ आया कि नहीं आया, पक्का उतारो इसको, नोट करो। तो हम अभी तक क्या क्या जानते हैं, फार्मूला बता सकते हो क्या, क्या क्या पता लग गया तुमको, एच सी एफ इंटू ए क्या होता है जल्दी बोलो, एच सी एफ इंटू बी क्या होता है जल्दी बोलो, और बताओ, एलसीएम बराबर एच सी एफ इंटू इंटू, एक क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछ रहा हूं, द एलसीएम ऑफ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर रेशियो इज 11:1,
15 फाइंड एलसीएम, चलो 11:15 को थोड़ा सा और सही कर देते हैं, 3:8 लिख देते हैं। क्या पूछ रहा है, रटना पड़ा या समझना पड़ा, मुझे इतना समझाओ, क्या फार्मूला रटना पड़ेगा? हमने कहां से सीखा इसको भाई, हम एलसीएम लेना शुरू करते हैं, जब इधर आता है वो क्या होता है, क्या होता है वो, और इधर जो बचता है वो क्या बचता है, रेशियो, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो, तो एलसीएम क्या हुआ, एचसीएफ इनटू रेशियो, इसको रेशियो भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना, यानी एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये भी तो बोल सकते हैं इसको। तो अब जरा अगर इतनी बात याद रह जाएगी तो फिर बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें इसमें, एलसीएम बराबर क्या इनटू ए इनटू, तो एचसीएफ कितना है, ए कितना है, और कैसे किया मल्टीप्लाई, डायरेक्ट किया फिर मल्टीप्लाई करके करा, कैसे किया बताओ, ट्वेल्व इंटू एट थ्री सा 24 को क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, 144 का डबल, यही किया था काम, वो करना है जो हमें आसान पड़े, ठीक है, जिस पे दिमाग पे जोर कम पड़े, अरे ना लगे दिमाग पे, बिल्कुल जोर ना लगे दिमाग पे, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ना भाई, कम पड़े, ये समझ में आया, अरे बोलो हाँ या ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी बातचीत को लेके चलते हैं एक नए फार्मूले की तरफ, ठीक है। हमने फार्मूला क्या सीखा, एलसीएम बराबर लघुत्तम बराबर महत्तम इंटू ए इंटू बी, कोई हिंदी में हो और वो बोल नहीं रहा हो तो ध्यान से सुन ले, लघुत्तम समापवर्तक बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा में आ इंटू बा, आ बा सा हिंदी होती है ना, ए बी सी, हाँ चलो ये बताओ एच सी एफ इंटू ए क्या होता है, इधर किसकी कमी है, दे दो इसको एच सी एफ, लेकिन एक बात याद रखना, मैथ्स गणित आपको न्याय करना सिखाता है जीवन में, क्या करना सिखाता है, जो काम आपने बराबर के इधर किया वही आप बराबर के, समझ रहे हो, अगर कोई तुम्हारे लिए बराबर है ना कम और ना ज्यादा, कोई दो व्यक्ति हैं जो आपके लिए अनमोल हैं, बराबर हैं, तो अगर किसी एक पक्ष के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपको वही करना पड़ेगा, तब न्याय होगा। तो तुमने इधर किसकी मल्टीप्लाई करी है, अब घर जाके अगर मान लो मम्मी पापा दोनों बैठे हैं, तुमने खाली मम्मी से पूछा मम्मी चाय पीनी है बनाऊं चाय, और पापा बैठ के सुन रहे हैं और तुमने पापा से, तो बेटा वो न्याय नहीं अन्याय है, अगर मम्मी से जो पूछ रहे हो वो पापा से भी पूछना पड़ेगा। अगर तुम तीन सिबलिंग्स हैं तो तुम्हारे दो भाई हैं लेट से, अगर एक भाई से पूछ रहे हो भाई रोटी खाएगा, भूख लग रही है रोटी बना दूं, खास तौर से गर्ल्स घर जाके थोड़ा बहुत काम भी करते होंगे आप लोग नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, चलो ये है कि खाना खाना आपके लिए डाल के ले आए थाले में, भूख लगी होगी खाओगे,
अगर एक से पूछ रहे हो तो दूसरे के साथ क्या है ये, दोनों से बराबर पूछना पड़ेगा। तो यही मैथ्स है भाई, बराबर के किधर तुमने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किससे मल्टीप्लाई करा, तो वही मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, तो लेफ्ट साइड करो मल्टीप्लाई किसकी, तो तुम्हें कुछ दिखा नहीं दिखा, एच सी एफ इंटू क्या बराबर, क्या एच सी एफ इंटू ये क्या होता है और ये क्या होता है, याद रखोगे इसको, बोलो फार्मूला बोलो क्या बना, एच सी एफ इंटू बराबर फर्स्ट नंबर इंटू, मतलब अगर मैं क्वेश्चन के टर्म्स में पूछ लूं तुमसे, मैं बोलूं एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, देयर एलसीएम इज है, क्यों सात सौ बीस, इफ वन ऑफ द नंबर इज 90, फाइंड सेकेंड नंबर, एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है बोलो 700, एक नंबर कितना है और क्या पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा सीयूटी के अंदर, 100% आएगा। तो क्या करना चाहिए भाई, एलसीएम एचसीएफ कितना आया 18, एलसीएम कितना आया जल्दी बोलो, फर्स्ट नंबर कितना है इनटू में, जीरो से नौ अट्ठे 18 अट्ठे, तुम भाई पहाड़े याद नहीं है तुम लोगों को, तुम एडमिट नहीं कर रहे हो अपनी गलती को, पहाड़े याद टेबल से याद तुम लोगों को, कहां तक याद है भाई, 5 तक याद है, 10 तक याद है, दो का याद है, खड़े हो, शी सेड इनको दो का टेबल, तो क्यों खड़ा हो रहा है फ्री में, बैठ जा हाँ जी, टू का टेबल याद है, 2 9 जा, व्हाट शी सेड 18, ओके okay. चलो बताओ 11.52 सा, 11.52 सा, शाबाश बैठ जाओ, इसको टू का, इधर किसी ने बोला था मेरे को 25 का भी याद है, खड़े हो, हु सेड के मेरे को 27 का याद है, याद है 27, 5 जा 5 जा, तो एक साल ले ले यार, नेक्स्ट ईयर फिर सीयूटी लॉन्च करेंगे, ये उतार लिया सबने, चलो बोर्ड पे देखो, अब यहां देखो सामने, मेरे को भी देखते रहो बीच बीच में, अब काम की बात सुनो, मैं आपको कुछ याद करा रहा हूं, स्क्वायर्स, स्क्वायर निकालने सीखेंगे अभी हम, ये तो नहीं बताना पड़ेगा, अरे ये ऑब्वियसली नोट ना, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे कितना होता है ये, मेरे कानों में एक आवाज आई 125,
हु सेड 125? कितना होता है? चलो अब ध्यान से सुनना, शोर नहीं मचाओ। अब जो मैं पूछूंगा ना, धीरे धीरे आप में से कुछ ही चुनिंदा लोग अंत तक बताते रहेंगे जब तक पूछता रहूंगा, केवल उन्हीं दो चार बच्चों की आवाज आएगी, बाकी आवाज जो होगी हॉल में धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर कम होती चली जाएगी। जैसे यहां तक आपका ज्ञान कितने परसेंट है? सभी 100% बच्चों को इसका उत्तर, सभी 100% बच्चों को इसका भी उत्तर, सभी 100% को इसका भी पता होना। सभी 100% जनता इसका उत्तर, कुछ आवाज गिर गई, 1200। हाँ या ना? कैलकुलेटर तो नहीं है? फोन रखो बैग में। अब देखो मैंने यहां पे एक नंबर लिख दिया, कितना दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? अबे भाई ऊपर ही लिखा है, कितना आएगा? अब ईमानदारी से कितनों को नहीं पता 65 का स्क्वायर या 35 का स्क्वायर, जिनको पता नहीं था लेकिन हाँ कैलकुलेटर से करा, वो भी हाथ उठा लो जिन्होंने कैलकुलेटर से करा है, रेज योर हैंड। नहीं पता? चलो हाँ भाई रुक जा रुक जा, समझ गया मैं। हाँ भाई तुम खड़े हो, तुमने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब तुम जानते हो, और तुम जानते हो तो बताओ 95 का स्क्वायर क्या होता है। तू नहीं जानता? बैठ जा। हाँ भाई उठा के बाहर फेंक दूंगा, एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा क्लास में, चुपचाप शांति से समझो। इसका स्क्वायर जो तुमने बताया था ना 42-25 वो सही था, और इसका कुछ बच्चों ने जो बताया 90-25 वो भी ठीक है, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि 100 के 100% बच्चे कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो उसके लिए इसको सीखना पड़ेगा। कोई भी स्क्वायर जो यूनिट प्लेस कितना हो उसका 5 हो, जिसका यूनिट प्लेस कितना हो, क्या इसका यूनिट प्लेस 5 है? यूनिट प्लेस क्या होता है ये बताओ। जब कोई नंबर लिखना शुरू करते हैं सबसे आखिरी में जो नंबर लिखते हैं हम वो इकाई का अंक होता है, हाँ है ना? तो ये कि भाई ये जो 5 है ना, 5 वो लास्ट में दिखना चाहिए तुम्हें, तो 5 का स्क्वायर 25 वो तुम्हें हर एक नंबर में लिखा दिखाई देगा। अरे हाँ है ना? बच गया रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ द वो कैसे बना? तो वो ऐसे बना कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है उसकी उससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, और उसके आगे लिख दो 25, कितना हो गया 200। यहां क्या लिखा हुआ है, इससे नेक्स्ट नंबर देखो क्या होता है, 2 से नेक्स्ट नंबर पे 3, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आया, कितना हो गया। यहां देखो 3 से अगला नंबर कौन सा होता है, मल्टीप्लाई करो कितना आया, 5 का स्क्वायर करो 12-25। पक्का? 6 से अगला नंबर बताओ, 6-7। तुम्हें तो पहले पढ़ा रखा है ये, फिर भी नहीं आंसर आया तुम्हारा। 6-7 42-42-25। 9 से अगला नंबर क्या होगा, 9-10 90-25। समझ आया? क्या तुम में से कोई मुझे 75 का स्क्वायर बिना पेन के बता सकते? बस हाथ उठा लेना, मैंने बस बोलने को नहीं कहा, मैंने कहा रेज योर हैंड।
छप्पन पक्का समझ आया? नहीं? अच्छा एक चीज और सुनो, इसी में मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल, क्या बोलते हैं? नहीं दिख रहा? मेरे पीछे है बोर्ड, मुझे थोड़ी दिखेगा कि तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं वहां लिखने की जहां से तुम्हें दिखे। क्या बोला था मैंने अभी? हाँ, डिजिटल, पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, आप भी हो जाओ। कोई भी स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका मतलब उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई है। द नंबर व्हेन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वी गेट द स्क्वायर ऑफ नंबर, यस और नो? तो 35 गुणा 35 का आंसर क्या आया? इसका मतलब रहा होगा कि ये आंसर जो आया है ये 75 इंटू, और ये आंसर जो आया है ये किसका है? कोई भी मल्टीप्लाई हो, ये रूल कहीं पे भी लगेगा, डिजिटल सम का रूल कैन अप्लाई एवरी वेयर। क्या है ये रूल? आपको डिजिट का सम करना है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या करना है? सब डिजिट का सम करना है, यानी आंसर एक डिजिट में आना चाहिए। कितने डिजिट में आना चाहिए? दो डिजिट में आंसर आ रहा है तो उनको भी जोड़ दो, कितना बना लो? एक डिजिट। जैसे यहां लिखा है 35 इंटू 35, हाँ या ना? क्या इसको एक डिजिट बनाऊं? क्या बनेगा? इसका भी एक डिजिट बने तो बीच में कैसा साइन है? बेटा सुनाई तो दे रहा है, कान खोल के ध्यान से सुन। 5 और 3 5 और 3 8 की 8 से गुणा करी तो 64, कितने डिजिट में आया? इसको भी जोड़ो। 10 कितने डिजिट में आया? फिर उसको भी जोड़ो। यानी जो भी आंसर आएगा 35 गुणा 35 का, उस आंसर में सबको जोड़ के मिलना चाहिए एक। अगर जो मिल रहा है तो वो मल्टीप्लाई ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई गलत है। तो जोड़ो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 को भी जोड़ो, 10 है ना? 0 + 1 करो ना, 1 मैच हुआ। वो चीज यहां पे भी अप्लाई करके देखो, 7 और 5 चाहे तो 12 का ही स्क्वायर कर लो, 144 को जोड़ो, 9, इसके आंसर को जोड़ के देखो 9 आएगा, 6 और 5 11 और 2 13 और 5 18, कितने डिजिट का नंबर है? एक डिजिट का बना लो, आ रहा है ना 9, हाँ है ना? वो चीज यहां पे भी सोच सकते हो। 9 और 5 कितना होता है? 14 का स्क्वायर है, यानी 95 टर्न आउट टू बी 14। इफ यू ट्रीट 95 एज 14, तो 14 का भी स्क्वायर सोचना है। अगर 14 का स्क्वायर याद नहीं है, 14 का स्क्वायर याद मान लो, तो 14 क्या होता है? 1 and 4, कितना? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25, कितने डिजिट में आया? उसका एक डिजिट बनाओ, इसके सभी आंसर्स को जोड़ के देखो 7 आएगा कि नहीं, बताओ जरा। 9 और 2 9 0 9 9 और 2 11 11 और 5 16 में कितना आता है? 7, हाँ या ना? कोई भी मल्टीप्लाई दूं कर लोगे अब, जिसमें 22 गुणा 28 है, इसका आंसर बता सकते हो क्या? भाई अभी अभी तुमने 95 इंटू 95 बताया था मुझे, कितना बताया था? कैसे बताया था? 9 से नेक्स्ट नंबर क्या था? 9 10 सा 5 का स्क्वायर कितना? अरे हाँ या ना, बोलो भाई।
तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये अप्लाई होगी मेंसुरेशन के अंदर और भी बहुत सारी जगह। क्या सीन बन रहा है? सीन ये बन रहा है भाई कि कोई भी मल्टीप्लाई हो, अब कोई भी जिसके यूनिट प्लेस का सम 10 बन जाए, यूनिट प्लेस का सम कितना हो जाए, यूनिट प्लेस का सम कितना बन जाए, अरे बोलो कितना बन जाए। इसको एक बार पढ़ना क्या लिखा है, ब्रेक करके धीरे धीरे पढ़ो। 95, ये भी क्या लिख रहा है 95, दोनों नंबर किस में है, 90s में है, किस में है 90s में, तो ये दोनों नंबर 20s में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 32 लिख दिया और मैं 48 भाई बोल रहा हूं, यहां पे भी तो यूनिट प्लेस का सम 10 है, इसका आंसर नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा, जिसमें बाकी रेस्ट नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। टेंस के मल्टीपल में सेम दिखना चाहिए, फिर वो 100 के मल्टीपल में सेम दिखना चाहिए। तो ये क्या है, इसको क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, 20, और इसको दोनों नंबर किस में है, 20s में। क्या 8 and 2 10 होता है, तो 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 3 जा कितना हुआ और 8 2 जा, ये आंसर है इसका। मैंने लिखा 43 47, बिना पेन के आना चाहिए। अब 4 से नेक्स्ट क्या होगा, कितना आया, 4 5 बोलो, और 7 3 वो चीज यहां पे भी लगा के देखो, डिजिटल सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, 4 और 3 7, 7 और 4 11, एक डिजिट है या 2, 11 का एक डिजिट बनाओ, 7 2 14, एक डिजिट है या 2, एक डिजिट बनाओ, इन सब का सम देखो कितना है ना, डिजिटल सम बोलो। अबे हाँ ना तो बोल दिया करो, समझ भी आ रहा है तुमको या ऐसी जबरदस्ती हाँ ना हो रही है, क्या जाना थोड़ी है अभी, 4 बजे तक है भाई। एक मैसेज मेरे फोन में भी है मैं भी दिखा सकता हूँ कब तक है, 4 बजे तक क्लास है। कैसी बात कर रहे हो यार, सही बताओ, मजाक मत करो। चलो 5 क्वेश्चन करके दिखाओ फिर छोड़ूंगा, बैठ जा, जल्द नीचे बैठ, बैठ जा, जाना नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, तुम्हारी मर्जी, लिख दूं बिना नोटबुक देखे। बस बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अपने आंसर्स नोटबुक में लिख लो। जल्दी बता दो, 45 कितना दिख रहा है, चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, 4 से अगला नंबर 5, 4 5 पक्का, हाँ या ना, इसका बताओ, अरे भूलोगे तो नहीं, जंगल जाओगे शेर पकड़ के लाओगे डरोगे तो नहीं, देख लो, इसका बताओ, 9 से अगला पक्का, इसका बताओ, 569 09 आएगा बच्चों, 2 डिजिट लगेंगी, इसका बताओ, खड़े हो,
इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, कितना आएगा? और फिर अब मैं मिलूंगा आपको अगले सोमवार, बाकी क्लास डेली रहेगी तुम्हारी।